अचानक दो बच्चियों की बीमारी के चलते इलाज के दौरान मौत में गांव में कोहराम। लखीमपुर खीरी मैलानी थाना क्षेत्र के चौकी बाकेगंज के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर में अचानक दो बच्चियों की मौत की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मैलानी थाना प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह व चौकी प्रभारी संसारपुर अनेकपाल सिंह मैं पुलिस के मौके पर पहुंचे। पुलिस के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया, योगेंद्र अपनी पुत्री ईशा को बीमारी के चलते आज सुबह गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जहां चिकित्सकों द्वारा हवा दी गई व इंजेक्शन लगाए गए, परंतु हालात गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया। ईशा ने लखीमपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे परिजन उसे घर ले आए। इसी के चलते योगेंद्र के भाई श्रीपाल की पुत्री अलका की भी हालत खराब हो गई, जिसको श्रीपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाकेगंज इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, परंतु अलका ने भी लखीमपुर जिला अस्पताल इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अचानक एक ही दिन में दोनों मासूम बच्चियों के बीमार होने के बाद इलाज के दौरान मौत होने से गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। कहाँ का निवासी हो? रायपुर। ये लड़की का हादसा कैसे क्या हुआ? ये लोरिया हमारी यहाँ घर से तालको बकारी रायपुर। लड़की का नाम है अलका नाम रहा है।